नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जनवरी की 25 तारीख है और दिन है गुरुवार। आज सरसों बाजार को कुछ सहारा मिला है, कितना सहारा मिला है और किस कारण से सहारा मिला है, इस पर विस्तार से बात करें। उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरसों बाजार की बात शुरू करते हैं। तो आज बाजार में 25 रुपए से लेकर के 75 रुपए तक का सुधार देखने को मिला है। जयपुर का भाव जो है वो 75 रुपए तक बढ़ गया है और कुछ मंडियों में जैसे दिल्ली चरखी दादरी लाइन है या टोंक निवाई लाइन है, यहां पर बाजार 25-25 रुपए बढ़ा है। कुछ मंडियों में 50 रुपए तक का भी सुधार देखने को मिला है, लेकिन सलोनी प्लांट के अंदर आज 25 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। हालांकि जो गोयल कोटा का प्लांट है वहां पर बाजार 100 रुपए बढ़ा है और कुछ और प्लांट है जहां पर 25-50 रुपए की बाजार बढ़ा है, लेकिन अकेले सलोनी प्लांट के अंदर बाजार 25 रुपए डाउन हुआ है। इसके पीछे कारण ये है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर जो खाद्य तेलों का बाजार है उसके अंदर हल्का फुल्का सुधार दिखाई देता है। विशेष रूप से पाम तेल के अंदर थोड़ा अच्छा सुधार दिखाई दे रहा है। उत्पादन कम होने की संभावना है और निर्यात जो है पाम तेल का 1 से 25 जनवरी के बीच में करीब करीब 0.46% के करीब बढ़ने की जो रिपोर्ट अब आ रही है, उस कारण से भी बाजार को सहारा मिल रहा है। लेकिन जो जैसा मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि बंदरगाहों पर खाद्य तेलों का स्टॉक कम हो रहा है और लाल सागर तनाव के कारण आगे कुछ आयात में कमी आने की संभावना है। विशेष रूप से सूरजमुखी तेल और सोया तेल के जो आयात में गिरावट आ सकती है, इस कारण से बाजार में थोड़ा सा उठाव रह सकता है लेकिन लंबी तेजी की गुंजाइश नहीं है। आज सरसों तेल का जो भाव है वो जयपुर का जो एक्सपेलर का भाव है वो 1021 रुपये हो गया है और कच्ची घाणी का भाव 1031 रुपये हो गया है। लेकिन इस तेल में भी आपको बहुत बड़ी तेजी की संभावना इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और मूंगफली का तेल आज 1550 रुपये रह गया है, 1500 रुपये रह गया है, सॉरी, राजकोट का भाव। और इसमें अब गिरावट जो है वो रुक सकती है, रुकने की संभावना है, लेकिन तेजी आने में अभी समय लगेगा। पिनोला तेल फिर स्टेबल चल रहा है, स्थिर चल रहा है। गुजरात कड़ी का भाव वही 830-835 रुपए है। इसके अंदर सुधार आने की प्रबल संभावना है लेकिन इसमें भी थोड़ा समय और लग सकता है। तो बात कर लेते हैं सरसों के आज के मंडियों के भाव की। तो सरसों का जैसे मैंने आपको बताया कि आज जयपुर का जो भाव है वो लगभग 75 रुपये बढ़ा है, जबकि जो भरतपुर मंडी का भाव है उसमें 38 रुपये का सुधार हुआ है। आज भरतपुर का भाव खुला है 5305 रुपये। वैसे देखा जाए तो कल शाम को ही भाव 5300 रुपये तक पहुंच गया था, लेकिन कल जो बाजार खुला था उसके हिसाब से आज बाजार 38 रुपये तेज है। जयपुर 5650, निड़वई 5300, खेरली मंडी 5325, 5305 से लेकर के 5325 मानना चाहिए। गोयल कोटा आज 100 रुपये बढ़ गया है, 5450 रुपये भाव है। बीपी आगरा का भाव है 5800 रुपये और शारदा का भाव है 5775 रुपये। ग्वालियर 5100 रुपये, मुरैना 5150 रुपये, हिसार 5200 रुपये, बरवाला 5150 रुपये, दिल्ली 5475 रुपये, चरखी दादरी 5425 रुपये, निवई मंडी 5300 रुपये, टोंक मंडी 5280, बीकानेर 5150, नागौर 5200, अलवर 5400 रुपये। अलवर का भाव आप ये मान के चलिए कि 5325 से लेकर के 5375 रुपये का भाव है एग्जैक्ट। गंगापुर का भाव है 5360 रुपये, खैरथल मंडी 5350 से लेकर के 5400 रुपये, कोटा 5100 रुपये और सुमेरपुर मंडी का भाव है 5400 रुपये। सलोनी का जो भाव कल 6100 रुपये हो गया था शमशाबाद दिगनेर और आगरा का, आज भाव रह गया है 6075 रुपये। अलवर 6050 रुपये और कोटा का भाव रह गया है 6000 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।